हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीवियस पीरियड में हमने बायोमोलिक्यूल्स पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। उसमें हमने बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड विच इट कंटेन। नाउ आज हमको वही देखना है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेकिन डिपेंडिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। कल हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस, उसके बेस पे क्लासिफाई किया था। नाउ डिपेंडिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट्स दे आर क्लासिफाइड, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वन इट इज शुगर एंड सेकेंड वन इट इज नॉन शुगर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड नॉन शुगर। व्हाट आर शुगर? इनके फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, शुगर दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनकी प्रॉपर्टी रहेंगी, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर सोल्यूबल इन वॉटर। शुगर किसे कहेंगे? विच आर क्रिस्टलाइन, जिसके क्रिस्टल्स होते हैं, विच आर स्वीट इन टेस्ट और जो पानी में सोल्यूबल होता है उसे कहेंगे हम शुगर। जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब शुगर रहेंगे। नॉन शुगर इसके ऑपोजिट कर देंगे, विच आर एमोरफस, विच आर एमोरफस इन नेचर, जो पाउडर कंडीशन में रहेंगे, विच आर टेस्टलेस, जिनको कोई टेस्ट नहीं रहेगा, एंड विच आर इनसोल्यूबल इन वॉटर, जिनको पानी में डालेंगे तो वे सोल्यूबल नहीं रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च और सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज पेपर होता है, कागज होता है, कागज को आप पानी में डालो वो सोल्यूबल नहीं होगा। तो सेलुलोज और स्टार्च दे आर नॉन शुगर। सो डिपेंडिंग ऑन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड टू टाइप, शुगर एंड नॉन शुगर। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर रिड्यूसिंग नेचर, अब एक पॉइंट आएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा था एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो डिपेंडिंग ऑन द रिड्यूसिंग नेचर दिस शुगर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। नंबर ए इट इज रिड्यूसिंग शुगर और नंबर बी रहेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे? आप याद करिए एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड ओनली। सिंस एल्डिहाइड कंटेन हाइड्रोजन एटम इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें हमने बताया था कि रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, तीन रिएजेंट पढ़े थे हमने। तो यहां पे भी हमें शुगर को रिड्यूस करना है, शुगर को रिड्यूस करवाना है। किस किस को रिड्यूस करेगा शुगर? इफ द शुगर इट रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, इफ इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, देन सच शुगर आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे शुगर जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। याद करिए आप फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? उसका कलर होता है ब्लू कलर, और जब उसको रिड्यूस करता है तो रेड पीपीटी बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की। टॉलेंस का अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। इसको रिड्यूस करने का मतलब इसमें हमें मिला था सिल्वर मिरर ऑप्टेन हुआ था, तो उसे हम रिड्यूस कहते हैं। सो अगर कोई शुगर फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है तो ऐसे शुगर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इसके ऑपोजिट इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। अब इसके ऑपोजिट कर लो, विच डज नॉट रिड्यूसेस द शुगर, विच डज नॉट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो कोई कलर नहीं देगा आपको ब्लू से रेड कलर, जो कोई सिल्वर मिरर नहीं देगा, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है, उसको हमेशा याद रखना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल रहेगा सुक्रोज, सुक्रोज, फिर स्टार्च और सेलुलोज भी है, लेकिन ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो डिपेंडिंग ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शुगर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिस शुगर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ शुगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर, नंबर ए डी शुगर, इट इज ऑल्सो गिवन द साइन पॉजिटिव, एंड नंबर बी इट इज एल शुगर, इट इज गिवन एज नेगेटिव साइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर, दो टाइप के शुगर होते हैं डी शुगर एंड एल शुगर। अब डी शुगर किसे कहेंगे? व्हाट इज डी शुगर? इन विच द ओएच ग्रुप ऑफ द लास्ट कार्बन इज ऑन राइट हैंड साइड, एंड इफ दिस ओएच ग्रुप, इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। नंबर बी इज एल शुगर, एल शुगर मींस नेगेटिव साइड। इफ दिस ओएच ग्रुप ऑन द लास्ट किरल कार्बन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सी कल का एग्जांपल लेते हैं हम,
कल हमने अल्डोट्रायोस, अल्डोटेट्रोस, अल्डोपेंटोस, अल्डोहेक्सोस किया था, एग्जांपल लिया था उसमें ग्लिसरलडिहाइड, इरिथ्रोस, राइबोस, ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, जाइलोज एक्सेट्रा। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम ग्लिसरलडिहाइड, ग्लिसरलडिहाइड। जैसे ये नाम सामने आता है आपको याद आता है इट इज ए अल्डोट्रायोस, ये अल्डोट्रायोस है, तीन कार्बन वाला अल्डिहाइड वाला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे, दिस इज CHO, एक लाइन खींचेंगे यहां पे, इट इज CH2OH, CHO CH2OH बॉटम में, एंड इन बिटवीन अ लाइन, दिस इज कार्बन, हियर इट इज H, नियर इट इज OH। आप अगर इसको काउंट करेंगे तो ये C3H6O3 होता है, CHO CH2OH इन द मिडल, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है जिसको हम क्रॉस लाइन से बता रहे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और यहां एच और ओ, तीन कार्बन है, 1 2 3, थ्री कार्बन एंड 1 2 3 ऑक्सीजन। ये है ग्लिसरलडिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि ये जो OH है, दिस OH इज ऑन राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड पर है, इसलिए इस ग्लिसरलडिहाइड का नाम होगा इट इज डी ग्लिसरलडिहाइड। इससे डी ग्लिसरलडिहाइड कहेंगे बिकॉज OH ग्रुप एट द बॉटम कार्बन, सबसे नीचे वाला OH ग्रुप जो होता है, इट इज ऑन राइट हैंड साइड। इसका ही मिरर इमेज बना लो, CHO CH2OH, हियर इट इज H, हियर इट इज OH, बॉन्ड ऑक्सीजन से होता है, इसके ऐसे लिखने का OH। इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें इसको बोलेंगे हम एल शुगर, और एल शुगर में भी नाम क्या रहेगा इसका, एल ग्लिसरलडिहाइड। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप, वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, शुगर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, डी शुगर एंड एल शुगर। इसमें और दो चार एग्जांपल है, नोट्स में है वो, आप इसको यहां समझ लें। सी, सपोज एक नाम आपको दिया रहेगा, एग्जांपल, ड्रॉ द डी शुगर एंड एल शुगर ऑफ राइबुलोज, ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा रहेगा, ड्रॉ द डी एंड एल शुगर स्ट्रक्चर ऑफ राइबुलोज, राइबुलोज का आपको डी और एल बनाना है, तो आपको राइबुलोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सब आना। तो पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइबुलोज एक पेंटा है, फाइव कार्बन वाला होता है, जैसे आपको याद होगा, और पहले तो ये याद रखो कि ये अल्डोसेस है कि कीटोसेस है, राइबोज कहां था अल्डोसेस, तो राइबुलोज रहेगा कीटोसेस, कीटोसेस कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन, इसमें 5 कार्बन रहेंगे, सो C5H10O5। कल के एग्जांपल याद कर लेना, एक बताया था डायसीटोन, डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल एसीटोन कहा था, दूसरा था इरिथ्रुलोज, और तीसरा था राइबुलोज, और चौथा था फ्रुक्टोज, ये सब कीटो हेक्सोस थे, कीटो वाले थे, ये कीटो पेंटोस है, 5 कार्बन है। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे रहेगा इसका, ऊपर रहेगा CH2OH पहला, फिर रहेगा C डबल बॉन्ड, 5 कार्बन होने का, देन C, देन C एंड लास्ट अगेन CH2OH, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इस कार्बन को यहां पे अटैच रहेगा H, यहां रहेगा OH, हियर इट इज H, हियर इट इज OH। ये हो गया 5 कार्बन C5H10O5 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे पहचानेंगे आप ये, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये कीटो पेंटोस है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्डो कीटोनिक ग्रुप है, इसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें ये जो लास्ट कार्बन का जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द लास्ट लोएस्ट किरल कार्बन, ये कार्बन किरल है, ये कार्बन भी किरल है, लेकिन जो सबसे नीचे का किरल कार्बन है, ये वाला सबसे नीचे का जो किरल कार्बन है, उसका OH देखा जाता है। इफ द OH ग्रुप ऑफ द लास्ट बॉटम मोस्ट किरल कार्बन एटम, इफ दिस OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड, इट इज कॉल्ड एज डी शुगर, इसको डी शुगर कहेंगे, इसका नाम रहेगा डी, ब्रैकेट में लिखेंगे माइन प्लस, और इसका नाम रहेगा राइबुलोज, डी प्लस राइबुलोज, डी और प्लस दोनों एक ही मीनिंग होते, मींस OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड। इसका ही मिरर इमेज बनाएंगे, सी मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखो CH2OH ये ऐसे रहेगा, इसको अपोजिट नहीं कर लेगा, सी डबल बॉन्ड हो इसको भी ऐसे कर देंगे, फिर आगे चल के हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन कार्बन है इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बताएंगे, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नीचे हो जाएगा CH2OH ये लास्ट वाला। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे बॉन्ड लाइन, और ये जो कार्बन है इसमें भी बॉन्ड लाइन, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, दिस इज OH, H, HOH है, इट बिकम OH, H,
In this example, this OH group of the last chiral carbon is on left hand side. Therefore, it is L ribulose. इसका नाम हो गया L ribulose. This, in this way, question रहेगा आपको, एक नाम दिया रहेगा, उसके D और L sugar के structure बनाने रहेंगे. इसके लिए आपको ये सब स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है. कल जो मैंने नोट्स दिया था उसमें ये सब स्ट्रक्चर बने थे. एक लास्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंस है इसका, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज बहुत बार करना है हमको, फ्रुक्टोज भी करना है. आज ग्लूकोज देख लेते हैं. ग्लूकोज, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल डी. व्हाट इज कैपिटल डी? इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं है कुछ. कैपिटल डी का मतलब OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, लास्ट OH ग्रुप. और एल ग्लूकोज, एल का मतलब होता है OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो है C6H12O6. जैसे नाम ग्लूकोज आता है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट आता है, एकदम माइंड में आना कि ये अल्डोसिस है कि कीटोसिस है. सो ग्लूकोज जो होता है इट इज अल्डो, ये अल्डोसिस है. इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड और इसके अंदर टोटल कार्बन होते हैं 6, इसलिए इसकी पहचान है अल्डोहेक्सोस. ग्लूकोज इज अल्डो हेक्सोस. देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज CHO अल्डिहाइड और एक लाइन ड्रॉ करके लास्ट में CH2OH. ये हो गए दो कार्बन. अब टोटल कार्बन 6 है. दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. इसको नंबरिंग याद रखना. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. दिस इज कार्बन नंबर 5. नाउ कार्बन नंबर 1 इज CHO, ऐसे याद कर लो. कार्बन नंबर 1 CHO है. कार्बन नंबर 2 जो होता है वो HOH होता है. कार्बन नंबर 3 जो है इट इज OHH. कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 HOH एंड कार्बन नंबर 6 इज CH2OH. सी डिफरेंस कहां आ रहा है? कार्बन नंबर 3 जो है, ये हमेशा के लिए याद रख लो. ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन में जो कार्बन नंबर 3 होता है ऊपर से, उसमें OHH होता है. उसका अरेंजमेंट जो है लेफ्ट साइड पे OH, राइट साइड पे H रहेगा. तब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. कैसे याद रखना है? टोटल 6 कार्बन, पहला कार्बन CHO, दूसरा कार्बन C तो रहेगा ही HOH, तीसरा कार्बन OHH, चौथा कार्बन HOH, पांचवा कार्बन HOH और लास्ट इज CH2OH. ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम रहेगा ग्लूकोज. अब इसमें हम देखेंगे दिस OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड. कौन सा OH ग्रुप देखा जाता है? लास्ट बॉटम मोस्ट किरल कार्बन का. ये कार्बन किरल है, ये कार्बन किरल है, ये कार्बन किरल है, ये भी किरल है. असिमेट्रिक कार्बन, किरल कार्बन, ये लास्ट किरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड पर है, इसलिए इसका नाम रहेगा डी ग्लूकोज. अब इसका मिरर इमेज बना देंगे. CHO लास्ट में CH2OH, देन सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन. सेकेंड कार्बन क्या रहेगा? HOH है, इट बिकम OHH. थर्ड कार्बन OHH है, इट बिकम HOH. फोर्थ कार्बन HOH है, दिस इज OHH. नाउ इट इज HOH, इट बिकम्स OHH. दिस OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, therefore it is L glucose. So there are two types of sugar, D sugar and L sugar, depending on the position of OH group attached, whether it is on right hand side or left hand side. ऐसे glucose हो गया, ऐसे structure formula fructose का है. Next में हम glucose को ही study करना है ज्यादा, तो glucose के reactions और उसके methods of preparation study करें. तब तक आप इसकी practice करिए और इसके notes लिखिए. Okay, have a nice day.